सो ही हेलो नमस्ते इसे सिखा राधे राधे राम राम प्रणाम नमः सलाम वालेकुम इन्होंने मैंने से प्यार से रिवर्स किया जो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था अरे सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कितारा बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो खाना खाने के लिए बाहर जाती है। वो जब खाना खा रही होती है उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं फेस पे स्माइल। आज काफ़ी टाइम के बाद तारा जी भर के खाना खाती है क्योंकि उसकी सारा ने जो ऑर्डर किया था। तारा खाने के बाद भागते हुए वापस सिया के पास आ जाती है, उसे यूँ हक करके बैठी होती है। वो सिया से ढेर सारी बातें कर रही थी और सिया आज तारा की सारी बातें सुन रही थी हमेशा की तरह बगैर कुछ बोले। तभी तारा यूँ ऊपर होती है कि देख क्या जान बस मैं ही बोलती रहूँ, कभी तो मुझसे बात करो। तो सिया मुस्कुराने लग जाती है। तारा मुस्कुराते हुए सिया के फोहर पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। और सिया बोलती है आई लव यू टू। और जैसे सिया से आई लव यू टू बोलती है ना, ओ माई गॉड, तारा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तारा बोलती है प्लीज़ जान एक बार और बोल दो। तो सिया फिर से मुस्कुराती है और तारा बोलती है क्या यार बस एक बार बोल के छोड़ देती हो, आधी अधूरी खुशी पर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू अलॉट मेरी जान। और तारा ऐसे उसके हाथों पर ढेर सारे किस करने लग जाती है। और तभी अंदर सिया की दी आ जाती है, सिया को हक करती है, सिर्फ ये सारी बातें करने लग जाती है। और सिया अपनी दी की तरफ देख के स्माइल किए जा रही है, वो अपनी दी के साथ मतलब ज़्यादा बोलती नहीं है सिया। तभी वहाँ पे अंदर साहिल आ जाता है। साहिल को पता चलता है कि सिया सबसे बात करी है तो उसका बस देखने का मन होता है, वो अंदर आ जाता है। तारा देखते हैं कि साहिल आया तो वो उठ जाती है कि आओ साहिल बैठो देखो सिया भी तुमसे बात करेगी। तो तारा उठ जाती है और साहिल बैठ जाता है। सिया साहिल की तरफ देखती है और गुस्से की से मतलब घूरते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। साहिल समझ जाता है कि सिया कुछ नहीं भूली, वो अभी भी उससे नाराज़ है, इसलिए साहिल चुपचाप वहाँ से उठ के चला जाता है। तारा नोट कर लेती है कि साहिल जब भी सिया के सामने आता है सिया या तो मुंह फेर लेती है या फिर उसका बीपी जो है वो हाई होने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है। तारा फिर भी सिया को कुछ नहीं बोलती क्योंकि अभी वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। सिया के बारे में सोचते हुए तारा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है अब तो सिया ठीक हो रही है, क्या हम उसे घर लेके जा सकते हैं? डॉक्टर बोलते नहीं, अभी हमें उसे कुछ टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तो तारा बोलती अच्छा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? डॉक्टर बोलते हाँ बोलो। तो तारा बोलती है कि सियाह को पता नहीं अचानक से क्या होता है, एकदम हंस रही होती है फिर गुस्सा करने लग जाती है, उसकी हार्ट बीट भी तेज़ होने लग जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसे कोई भी टेंशन नहीं देनी, आप उसे हर टेंशन से दूर रखो, शायद उसके दिमाग में भी कोई बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है, लेकिन कोई भी टेंशन उसके लिए जी नहीं है, तो प्लीज़ सारी टेंशन से उसे जितना हो सके दूर रखो। तारा बोलती ठीक है मैं ख्याल रखूँगी। तारा वापस सिया के पास चली जाती है और सारा टाइम सिया के पास ही रहती है और सारे रूम के बाहर बैठे रहता है। वो एक सेकंड के लिए भी रूम से बाहर मतलब नहीं हिलता, ना ही वापस रूम में आता है। और सिया की मम्मा जो होती है वह एक बार फिर से साहिल को बोलती हैं कि साहिल बेटा तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ और मेड ने कुछ बनाया होगा तो वो लेके आओ। तो वो कहता है मम्मा मैं एक काम करता हूँ आपको घर लेके जाता हूँ, अब तो सिया ठीक है ना और यहाँ पे दी भी है सब हैं तो आप लोग प्लीज़ चलो। तो ऐसे ही बाकी सारे जो भी रिलेटिव्स खड़े थे ना सबको लेके घर चला जाता है क्योंकि अब रात होने वाली थी और हॉस्पिटल का रूल था एक से ज़्यादा इंसान पेशेंट के साथ स्टे कर ही नहीं सकता था। अब सब घर जा रहे होते हैं, सिया तारा को बोलती है कि आप घर चले जाओ, पर तारा कहाँ ही सुनती थी वो नहीं जाती। बाकी सब चले जाते हैं, अब रूम में सिर्फ और सिर्फ सिया और तारा बचे होते हैं। तारा बैठी ही होती है सिया के पास, उससे बातें कर रही होती है कि तभी सिया यूँ हल्का सा ना यूँ साइड चेंज कर लेती है, मतलब थोड़ा पीछे हो जाती है, बैठ से खिसक जाती है। तारा एकदम शौक थी कि सिया खुद से मूव कर रही है, तो इतना ज़्यादा मूव। तभी सिया तारा को इशारा करती है कि मेरे पास आ जाओ। तारा मना करती है कि तीन छोटा सा बेड है और आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, पर सिया नहीं मानती है। तो तारा यूँ बेड के ऊपर आ जाती है और जब वो बेड के ऊपर आती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद तारा और सिया दोनों एक ही बेड पे थे। तारा के दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, उसे ऐसे फील होता है जैसे वो आज फर्स्ट टाइम सिया के इतने करीब हो क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका था और सिया की हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी। तारा मुस्कराते हुए बेड से उठने लगती है तो सिया जो है वो ऐसे ऐसे घूलने लग जाती है। तो तारा बोलती है आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है और डॉक्टर ने बोला है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं होनी चाहिए इसीलिए। तो तारा ऐसे उठ रही थी कि सिया उसके हाथ पे हाथ रख लेती है और उसे ना जाने का इशारा करती है। तारा वापस से लेट जाती है पर इस बार वो थोड़ा सिया से ज़रा से दूर होकर लेटी थी और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देखते देखते तारा अपना कंट्रोल खो देती है, वो यूँ आगे होती है सिया के फॉरहेड पे किस करती है। सिया एकदम आँखें बंद कर लेती है तो तारा बहुत ही प्यार से उसकी दोनों आइज पे किस करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है और देखते ही देखते तारा खुद पे बिल्कुल कंट्रोल खो देती है और वो सिया के लिप्स पे किस कर लेती है। हाय जब तारा सिया को किस करती है ना सिया के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती हैं।
सिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, सिया की भी आंखें बंद होती है, तारा की ही बंद होती है, और ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा किस कर रहे थे। मतलब सिया नहीं कर रही थी, तारा ही कर रही थी, और बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली बहुत रोमांटिक रोमांटिक किस कर रही थी। और तभी तारा को डॉक्टर की बात याद आती है कि इसको मतलब कुछ परेशान नहीं करना, हार्ट बीट तेज़ नहीं करनी। तारा एकदम पीछे हो जाती है, वो मशीन की तरफ देखती है जो मतलब दिखा रही थी सिया के हार्ट बीट वगैरह। तो वो देखती है कि सिया की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो तारा एकदम मतलब छलांग लगा के बेड से ही उतर जाती है। सिया यूँ से देखती रह जाती है, और तारा बोलती है कि आपके हार्ट बीट बहुत तेज़ है, अच्छा यही होगा कि अभी हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब ना आए। और सिया जो है वो थोड़ा सैड हो जाती है। तारा मुस्कुराते हुए दूसरी साइड से ना आके यूँ बैठ जाती है सिया के पास, उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, ढूंढ फरी मैं इधर ही हूँ, आपको छोड़ के अकेले कहीं नहीं जाना मैंने, हूँ बस कुछ दिनों की बात है, एक बार आप ठीक हो जाओ और हम घर चलें, फिर तो सब पहले जैसा हो जाएगा ना। तो तारा ऐसे बोल के काफ़ी देर तक सिया से बातें करती रहती है। तारा की बातों में सिया को इतना सुकून मिल रहा होता है ना कि सिया सो जाती है। सिया सो जाती है और तारा बस उसे देखती रहती है। तारा तारा का मन तो कर रहा होता है कि वो सिया के साथ सोए, उसे हक करके उसे अपनी बाहों में दाम ले, पर तारा ऐसा कुछ नहीं करती। सिया की वजह से वो बस उससे दूर रहती है कि कहीं सिया की हार्ट भी तेज़ ना हो जाए, कहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो खुद पे बेचारी बहुत कंट्रोल करती है। और वहाँ सिया की दी वो तो साहिल की बुरी तरह से बहन बचा चुकी थी, बात बात पे साहिल को टोंट काटना, और साहिल ऑलरेडी बहुत हर्ट था, सिया की इस कंडीशन का जिम्मेदार पहले भी वो खुद को मान रहा था, और अब जब उसकी दी उसे इतना टोंट काटती है तब उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचता है कि वो हमेशा के लिए सबसे दूर चला जाएगा, और यही शायद सबसे बेस्ट होगा सिया के लिए भी और तारा के लिए भी, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी ना साहिल को कहीं ना कहीं अभी भी तारा के लिए मतलब कुछ फीलिंग्स आ रही थी, और इसलिए साहिल सोच रहा है कि मेरे यहाँ से चले जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, और सिया तो वैसे भी मुझे देखना तक नहीं चाहती। तो साहिल एक नोट लिखता है जो वो अपनी बहन के रूम में छोड़ता है, और अपना बैग पैक करके चला जाता है। साहिल इसे अच्छे से जानता था कि सिया अब मम्मा से बाहर आ चुकी है, और तारा और बाकी सब घर वाले तो हैं ही सिया का ख्याल रखने के लिए, और सिया को वैसे भी उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए साहिल कहीं चला जाता है। और सुबह जब सिया की दी उठती है, अब वो नोट देखती है तो वो परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि साहिल कहाँ चला गया, और अब वो बाकी घर वालों को क्या बोलेगी। वो जल्दी से वो नोट छुपा लेती है, क्योंकि वो अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही पापा को। अब सुबह सुबह सिया की मम्मा जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह सबके लिए प्रिपेयर करती है, सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, और तारा के लिए ब्रेकफास्ट पैक करके ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले थे कि तभी सिया की मम्मा कहती हैं कि ये साहिल कहाँ है, सुबह से नहीं दिखा, कहीं ये पहले ही हॉस्पिटल तो नहीं चला गया। तो इस पे सिया की दी को लगता है कि शायद यही सही बहाना है, मम्मा मान भी जाएंगे, और कहती हाँ हाँ साहिल तो सुबह सुबह ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया था, वो तारा वहाँ अकेली थी ना, तो उसकी मम्मा की हद है, कुछ खाया भी नहीं, मुझे उठा देता साथ लेके चला जाता, पर नहीं ये लड़का ना कहाँ किसी की सुनता है, आजकल खोया खोया रहता है। सिया की बात को कवर करते हुए कहती मम्मा बहुत लेट हो रहा है, चले बेचारी तारा को भी भूख लगी होगी। तो सिया की मम्मा कहती हाँ ठीक है, और ये लोग जो है हॉस्पिटल के लिए निकल आते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं कि सिया तो अभी तक सो रही है और तारा उसके पास बैठी है। वहाँ रूम में एक और बेड भी था, पर तारा एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोती है, उसे बस सिया के पास जो रहना था। सिया की मम्मा कहती है कि तारा बेटा उठो, तभी तारा देखती है कि वहाँ पे सिया की मम्मा उसकी मम्मा सारे मतलब पूरे के पूरे खानदान बैठा हुआ है रूम में। तो वो कहती अरे उन्होंने सबको आने दिया, तो वो कहती बेटा उठो तुम एक काम करो, ये लो ब्रेकफास्ट खा लो और उधर बेड पे जाके सो जाओ या घर चली जाओ थोड़ी देर के लिए। तो तारा बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे अभी कुछ नहीं खाना। तभी सिया उठ जाती है क्योंकि उसके कानों में कुछ आवाज़ जाती है। सिया मतलब यूँ आँखें खोल देती है, बेचारी उठ के अभी खुद से नहीं बैठ सकती थी, ज़्यादा मूव नहीं कर पाती थी अपनी बॉडी को। तो तारा जो है वो देखती है सिया उठ गई, तो तारा बोलती अरे आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई, सो जाओ ना। तो सिया ऐसे आँख से इशारा बोल करती है कि नो आई एम फाइन। तो तारा बोलती है अब कैसा फील हो रहा है, कहीं पेन तो नहीं है। तो सिया फिर से इशारा करती है, मतलब सिया अभी ज़्यादातर इशारों में बात कर रही थी, वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, ना ही खुद से उठ के बैठ पा रही थी, और ये चीज़ भी तारा को काफ़ी हर्ट कर रही थी। पर वो खुश थी कि कोमा में रहने से अच्छा तो चलो ये है, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई। खैर उसके बाद तारा की मम्मा तारा को समझाती हैं कि बेटा तुम अपनी हालत देखो ना, तुम सोती हो ना खाती हो, तुम खुद बीमार पड़ जाओगी, तुम जाओ पहले कुछ खा लो और फिर थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, शावर ले लो, थोड़ा सो लो, आराम कर लो। पर तारा अपनी मम्मा की बात नहीं मानती है, और सिया सब सुन रही थी, तो वो खुद मुँह से बोलती है कि तारा मम्मा की बात मानो। और सिया तारा को देखती है और मुस्कुराने लगती है, सब बहुत खुश थे। सिया जब भी बोलती थी सिर्फ तारा के लिए ही बोलती थी या तारा से ही बात करती थी, इसके अलावा वो किसी से बात नहीं करती, मतलब बहुत कम बोलती थी, जब बोलती थी सिर्फ तारा के लिए या तारा से ही बात करती थी।
तो जिया की मम्मा कहती वाह उसके लिए बोल सकती, अपनी माँ के लिए नहीं बोल सकती, हाँ देखा नहीं मैंने कितना वेट लूज कर लिया सब तुम्हारे चक्कर में। तो सब हंसने लग जाते और जिया भी हल्के से स्माइल दे दिया। खैर काफ़ी टाइम के बाद अब सब खुश थे, लेकिन सिया की दी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो देख रही थी सबके फेस पे कितनी स्माइल है, लेकिन जब सबको साहिल के बारे में पता चलेगा तो सब कितने परेशान हो जाएंगे, वो कब तक ये बात कवर अप करेगी, वो यही सोच ही रही थी। कि तभी सिया की मम्मा कहती हैं कि ये साहिल कहाँ है, तो वो सिया की दी से पूछती हैं कि तुम तो कह रही थी साहिल हॉस्पिटल है तो कहाँ है, तो बोलती हाँ हॉस्पिटल आया था पर शायद अब वो घर चला गया होगा। तो उसकी मम्मा कहती है साहिल भी ना पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो उसकी दी कहती अरे मैं साहिल के लिए खाना घर पर रख के आई थी, वो खा लेगा मम्मा वो बच्चा नहीं है, देखो साहिल की कॉल आ रही मैं बात करके आती हूँ। तो सिया की दी ऐसे बहाना करके बाहर चली जाती है और वो साहिल को एक बार कॉल करने की ट्राई करती है, साहिल का नंबर बन जा रहा था। सिया की दी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, कौन जानता होगा साहिल कहाँ है। तभी उसे सुहेल का ख्याल आता है, वो सुहेल को कॉल करने वाली थी, तभी सुहेल खुद सामने से चल के आ जाता है। सिया की दी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम ज़रा मेरे साथ बाहर चलो, और वो उसे लेके बाहर चली जाती है। सुहेल थोड़ा परेशान होता है कि यार ये सिया की दी को मुझसे क्या काम पड़ गया। तो सिया की दी कहती है तुम सच्चे बताओ तुम्हें पता है ना साहिल कहाँ है, तो वो कहते हैं नहीं मेरी साहिल की लड़ाई हो गई है मैं नहीं जानता वो कहाँ है, कहाँ होगा वो घर ही होगा ना, तो बोलती घर नहीं है तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ, ये लेटर पढ़ो। तो वो सुहेल को लेटर पढ़ाती होगी थी, प्लीज़ अगर तुम्हें कुछ भी आइडिया कि सुहेल कहाँ जा सकता है, सुहेल अगर तुम्हें कुछ भी आइडिया कि साहिल कहाँ जा सकता है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, इतना बड़ा स्टूपिड कैसे हो सकता है, इतनी स्टूपिडिटी कैसे कर सकता है, मैं अब घर वालों को क्या ही बोलूँगी। तो सुहेल कहता है शायद उसने सही किया क्योंकि सिया अगर उठेगी और साहिल को देखेगी ना तो वो और ज़्यादा परेशान होगी, मेरे ख्याल से उसने सही किया जो भी किया, तुम ये सब छोड़ना बंद कर दो। तो सिया की दी समझ आती है कि इसे भी सब कुछ पता है, कहती वाह इस घर में लगता है मैं ही इडियट थी, तुम्हें भी सब पता था सिवाय मेरे, और किस किस को ये बात पता है क्या तारा को, तो कहता है नहीं तारा ये सब नहीं जानती, साहिल मैं और सिया हम तीनों बस इस बारे में जानते हैं। तो मतलब सिया की दी को अभी भी नहीं पता था कि ये जो सुहेल है ये मतलब सिया को लाइक करता है, उसे बस अपने भाई का पता था कि वो तारा को लाइक करता था। खैर यहाँ पे सुहेल बोलता है कि मैं सिया को देखने के लिए आया था वो ठीक है ना, तो वो कहती है हाँ सिया तो ठीक है लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम फ्रेंड हो ना तुम्हें तो पता होगा वो कहाँ जा सकता है। सुहेल कहता है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं अब उसका फ्रेंड नहीं है, और मेरे अलावा और भी उसके बहुत से फ्रेंड्स हैं, चाहो तो उनसे पता कर सकती हो, और ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। बेचारी सिया की दी बहुत परेशान हो जाती है, उसे लगा था कि सुहेल उसकी हेल्प करेगा पर अब सुहेल भी जा चुका था, अब वो करे तो करे क्या, बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और वहाँ सिया जो है वो बहुत खुश थी क्योंकि सब बात बहुत ज़्यादा खुश थे, कोई भी आज सिया के सामने रो नहीं रहा था, वरना पिछले इतने सारे मंथ से सिया सबके फेस पे सिर्फ आंसू ही देख रही थी और सैडनेस देख रही थी, पर आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी, सबसे ज़्यादा तारा के फेस पे स्माइल थी, ये देख के तो सिया की एकदम खुशी का ठिकाना नहीं होता। सिया बहुत खुश थी और तारा भी, और ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब सिया काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, अब से वो तारा से नहीं बल्कि धीरे धीरे सबके साथ बात करना उसने स्टार्ट कर दिया था, और उसकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक अच्छी आई थी, इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, और ये किसी मेडिकल से कम नहीं था क्योंकि कोई भी कोमा का पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता, पर सिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, उसने हल्का हल्का चलना भी स्टार्ट कर दिया था, और तारा रोज़ उसकी प्रैक्टिस करवाती थी, वो 15 से 10 मिनट रोज़ सिया का हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके जाती थी, थोड़ी वॉक करवाती थी, और एक दिन तो ये वॉक करते करते हॉस्पिटल से काफ़ी बाहर आ चुके थे क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चलता तारा ने सिया का हाथ थाम रखा होता है, जब आपके प्यार का हाथ आपके हाथ में होता है तो आपको पता भी नहीं चलता, आप 100 मील भी चल लो तो कम ही लगता है। सिया और तारा के साथ भी ऐसे ही होता है, तारा देखते कि हॉस्पिटल से काफ़ी दूर आ गया तो तारा टैक्सी लेती है और ये लोग वापस हॉस्पिटल में आते हैं, और उस दिन डॉक्टर जो है वो तारा पे काफ़ी गुस्सा करता है कि बहुत दूर लेके चली गई थी तुम इसे, ये गलत है ये वो, तो तारा सॉरी बोलती है, और जब डॉक्टर उसे डांट रहे थे तो ये वही सिया के ही पर्सनल डॉक्टर थे जिससे उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो सिया गुस्से से डॉक्टर को देखती है और कहती है कि इसमें इसकी गलती नहीं है इसे मत डांटो, और डॉक्टर बोलते अच्छा तो अब तुम इसे डिफेंड करोगी, मतलब बड़ा बड़ा क्यूट मोमेंट हो जाता है, डॉक्टर ऐसे जानबूझ के ना तारा पे और चिल्लाने लगते हैं, तो सिया एकदम तारा को यूँ पीछे कर लेती थी और उसके सामने खड़ी हो जाती, और इस चक्कर में सिया ने एकदम हाथ छोड़े हुए थे, सिया अपने स्पॉट पे खड़ी थी, तारा भी हैरान थी और डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अगर 2 से 2.5 मंथ अगर कोई बेड पे जो है वो लेटा रहे तो उसके बाद उसको अपने पाँव पे खड़ा होना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, पर सिया अपने पाँव पे खड़ी थी, और डॉक्टर जो है वो यूँ काफ़ी पीछे हो जाते हैं और तारा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाते हैं डांटने के लिए, डांट रहे होते हैं और सिया उनके पीछे पीछे चल रही होती है कि आप उसे कहाँ लेके जा रहे हो आप क्यों डांट रहे हो ये वो, तो ऐसे काफ़ी देर तक वो खुद चल आती है, और तभी तारा एकदम रोने लगती है और भाग के सिया को हक कर लेती है, सिया को भी रियलाइज ही नहीं हुआ था कि वो अपने पाँव पर चल के आ रही थी, तभी तारा बोलती जान आपने नोट नहीं किया आप अपने पाँव पर खड़ी हो काफ़ी देर से अपने पाँव पर
चल रही हो, मेरे पीछे पीछे आ रही हो। सिया भी एकदम हैरान हो जाती है और डॉक्टर क्लैप करते हैं, कहते हैं वाओ मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सच में किसी मेडिकल से कम है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड फाइनली तारा डॉक्टर को कन्विंस कर लेती है डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि सिया अब यहाँ पे रह रह के थक चुकी थी और तारा सिया को ना और परेशान नहीं देखना चाहती थी, वो भी उसे घर लेके जाना चाहती थी। ये लोग घर तो आ जाते हैं पर घर आने के बाद अब घर की सिचुएशन बिगड़ने लगती है। सिया को लेकर तो सब बहुत खुश थे, पर कहीं ना कहीं सबको समझ आ जाता है कि साहिल कुछ तो गड़बड़ है, मतलब साहिल कभी किसी को दिखता नहीं है। इतने दिन से सिया की रिकवर कर रही थी कि वो हॉस्पिटल है, अगर ये लोग हॉस्पिटल जाए तो वो घर है, ये वो मतलब नाइट शिफ्ट कर रहा है, फिर ये लोग मतलब ऐसे कवर लेती थी, पर अब तो ये लोग घर थे, अब वो परेशान हो जाती है कैसे कवर करें। और धीरे धीरे सबके सामने सच्चाई आ जाती है, क्योंकि जो लेटर वो अपनी दी के लिए छोड़ के गया था, यानी सिया की दी के लिए छोड़ के गया था अपनी बहन के लिए, वो लेटर पढ़ लेती हैं उसकी मम्मा और वो समझ जाती है कि इतने दिनों से उनकी बेटी उन्हें बेवकूफ़ बना रही है, उनका बेटा कब से इन्हें छोड़ के जा चुका है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। वो अपनी बेटी को पकड़ती है और उन्हें उससे पूछती हैं, उसे डांटती हैं कि तुम मुझे सच बताओगी, तो उसके पास सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बता देती है कि तारा की इस कंडीशन के पीछे वही था और उसे गिल्टी फील हुआ और तभी वो छोड़ के चला गया। तो उसकी मम्मा को यकीन नहीं आता, क्योंकि वो जानती थी कि साहिल सिया से बहुत प्यार करता था और वो कहते नहीं वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो सिया की बहन सब बता देती है कि मम्मा उसने तारा के साथ यूं यूं मतलब वो ऐसा ऐसा सोचता था और उसने ये सब किया इन दोनों को अलग करने के लिए, तभी आप तो जानती हो ना कि आपने भी उन्हें अलग करने की कोशिश की थी, तो सिया आपसे भी नाराज़ हो गई थी और साहिल जिस पे वो इतना विश्वास करती थी उसने ऐसा किया तो सिया पे क्या ही बीती होगी। और वहाँ पे सिया अब काफ़ी हद तक ठीक होने लगी थी और तारा हमेशा सिया के साथ रहती थी। और सिया तारा को बोलती है कि जान मुझे ना कहीं बाहर लेके जाओ प्लीज़, मैं घर रह रह के थक चुकी हूँ। तारा बोलती अच्छा ठीक है। तो तारा सिया को ना यूँ हाथ पकड़ के लेके जा रही थी। ये लोग अभी सिया की मम्मा के रूम से बाहर से गुजर रहे थे कि इन्हें आवाज़ आने लगती है अंदर से, सिया की मम्मा चिल्ला रही होती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हाँ तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, साहिल कब का घर छोड़ के जा चुके और तुम हमारे हमारी आंखों पे पट्टी बांधती रही, हाँ हमारी आंखों में धूल झोंकती रही, हमें झूठ बोलती रही कि वो कभी हॉस्पिटल है कभी घर है, तुम चाहती क्या हो, तुम पागल हो, तुम्हारा भाई है, तो ऐसे चिल्ला रही थी। और सब सिया और तारा सुन लेती और ये दोनों समझ जाती है कि साहिल घर छोड़ के जा चुका है। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तारा बोलती व्हाट, साहिल घर छोड़ के क्यों जाएगा, ये सब क्या चल रहा है। तो सिया बोलती मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और सिया आगे जाने लगती है, तो तारा उसके पीछे पीछे जाती है। ये लोग घर से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, तारा सिया को लेके एक पार्क में चली जाती है और उसे बेंच पर बिठाती है और वो सिया के पास ही नीचे बैठती है, उसका हाथ थामती है, कहती है मैं जानती हूँ आपके और साहिल के बीच कुछ तो गड़बड़ है, मैंने नोट किया है। सिया बोलती ऐसी कोई बात नहीं है। तारा बोलती अब आप मुझसे झूठ बोलोगी, प्लीज़ जान आई नो आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करना गलत है, आपको टेंशन से दूर रखना है, पर अब मैं जानना चाहती हूँ ये सब क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो गया है जो आप अपने भाई को जिससे इतना प्यार करती थी उसे देखना तक नहीं चाहती और वो भी घर छोड़ के जा चुका है, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ, क्या मुझे कुछ जाने का हक नहीं है, क्या मुझे अपना नहीं मानती हो। तो सिया तारा को देखती है, उसे ऊपर अपने पास बिठाती है और कहती है आपको इतना अपना मानती हूँ कि आपके लिए अपने भाई से रिश्ता ख़त्म करने को तैयार हो गई और आप मुझे ये कह रही हो। तारा बोलती व्हाट, मेरे लिए पर क्यों। तारा बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तारा स्टिल कंफ्यूज थी, तभी सुहेल आ जाता है। सिया उसे देखती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुहेल बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था सिया, पर मैं जानता था अगर मैं घर आया तो तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी, इसलिए जब यहाँ आते हुए देखो तो पीछे पीछे। तो तारा बोलती ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे भी कुछ बताएगा। सुहेल सिया को देखता है और कहता है कि सिया इसे सब जानने का हक है, आई थिंक तुम्हें सब बता देना चाहिए। तारा बोलती वाओ ग्रेट, मतलब सुहेल तुम भी सब जानते हो, क्या यहाँ सिर्फ मैं ही पागल हूँ जिसे कुछ नहीं पता। तो वो तारा मतलब अब सिया पे गुस्सा करने लगती है और सिया चुप करके बैठी रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। तो सुहेल बोलता है कि लगता है अब मुझे ही सब बताना पड़ेगा। सिया सुहेल को देखती है और कहती है कि खबरदार तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी जान को खुद सब बता सकती हूँ। तो तारा बोलती पक्का बताओगी ना। तो सिया बोलती हाँ। तो तारा फिर वहाँ से सुहेल को भेज देती है। सुहेल चाहते हुए बार बार पीछे पलट के बस सिया को देख रहा था कि वो ठीक तो है ना। सुहेल के वहाँ से जाने के बाद तारा उसके पास बैठी है, कहती कमोन जान बोलो मुझे सब जानना है। तो सिया उसे सब कुछ बता देती है और रोते हुए कहती है कि जिस भाई के भरोसे मैंने आपको छोड़ रखा था, मुझे लगा था कि मुझसे ज़्यादा वो आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप मेरे लिए कितनी मायने रखती हो, उसी ने मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। वो जानता था कि आप क्या हो मेरे लिए,
उसने मेरी आंखों में आपके लिए प्यार, तड़प, दर्द, हर एक चीज देखी थी। अच्छे से जानता था वो मुझसे मेरी कोई भी चीज ले ले, कुछ भी ले सकता था वो मुझसे। मैं कभी बुरा नहीं मानती, पर आप तो मेरी जिंदगी हो। वो मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहता था सारा बोधी, पर वो ऐसा क्यों करेगा सियाबादी? क्योंकि वो आपसे प्यार करता था। मैं आपको बोलती थी साल से दूर रहो, मैं आपको बोलती थी ना, आपने कभी मेरी नहीं सुनी। आप क्या कहती थी, मेरे लिए वो मेरा भाई है। पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स आती थी कि कुछ गड़बड़ है, पर आपने मेरी कभी नहीं मानी। मैंने आपको जब भी किसी इंसान से दूर रखने की कोशिश की, आपने उल्टा मुझे गलत बोल दिया। थारा बोती आई एम सॉरी, मुझे सब कैसे पता होगा सियाबोती? जानती तो मैं भी कुछ नहीं थी ना, पर मेरा दिल पता नहीं। इसलिए कहते हैं अगर कोई इंसान आपको किसी चीज से रोके, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे शक करता है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको बस प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर आपने हमेशा मुझे गलत कहा, मुझसे लड़ाई कर ली और आज देखो क्या हो गया। तारा भती आपको कहने का मतलब है कि मैंने उसे रोंग आइडिया दिया? हाँ, मैंने अगर उससे हंस के बात कर ली तो इसका मतलब कि मैं गलत हो गई सियाबोती? नहीं, आप गलत नहीं, पर अगर आप थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो तारा को गुस्सा तो आता है सिया की इस बात पे, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था सिया के वे ऑफ टॉक से कि मतलब तारा की गलती है, और वो चुप हो जाती है, कहती ठीक है, आई एम सॉरी, अब घर चलो। और तारा भी मतलब रो रही थी, तो सिया उसका हाथ थामती है, उसके पास खड़ी हो जाती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, सब में आपकी गलती नहीं थी, पर मेरी कहाँ गलती है? अपने प्यार में और भाई में फंस के रह गई मैं, ना उसे छोड़ सकती हूँ ना आपको छोड़ सकती हूँ। पता नहीं वो कहाँ होगा, ठीक होगा कि नहीं, वो घर छोड़ के क्यों गया? तारा बोती क्योंकि आप उसे अवॉइड कर रही थी, उसे लगा कि उसकी वजह से, सिया बोती उसे सही लगा, उसकी वजह से ये सब हुआ है, उसने मुझे धोखा दिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर छोड़ के चला जाए। ओड़ो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, हम घर चलते हैं। तारा कहती गलत तो आपने मेरे साथ किया है, साहिल ने आपके साथ जो भी किया उसका बदला आपने मुझसे लिया, विश्वास उसने आपका तोड़ा, धोखा उसने आपको दिया, मेरी क्या गलती थी? सियाबती मतलब तारा बोती आपने खुद की जान लेने की कोशिश क्यों की? आप अच्छे से जानती थी आपकी जान भी जा सकती थी। सियाबती मैं टूट चुकी थी और ऐसे लग रहा था कि जीने का को कोई फायदा नहीं। तो तारा जोर से सिया के मुंह पे थप्पड़ मार देती है, कहती जस्ट शट अप हो गया, जस्ट शट अप, मैं मर गई थी क्या? हाँ, मेरे पास आती पर नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने आ जाती हूँ, और आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था आपने मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। सियाबती आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी, तारा बोती सॉरी 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 सॉरी, आपके सॉरी का अचार डालूँ मैं और वही अचार आपको खिलाऊँ? सिया हंसते हुए कहती ओके आई एम सॉरी, प्लीज़ चिल्लाना बंद करो, मेरा सर दुख रहा है। तो तारा ने सिया को वापस बेंच पे बिठाती और पानी पिलाती है, कहती आई एम सॉरी आई एम सॉरी, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, साहिल वापस आ जाएगा। सिया बोती मुझे उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी, वो आपको मुझसे छीनना चाहता था। तारा बोती रिलैक्स, ओके हो सकता है ऐसा नहीं होगा, ओके, और आप तो जानती हो ना प्यार में सही गलत कुछ नहीं दिखता। हाँ अच्छा प्लीज़ शांत हो जाओ, ओके सियाबोती से डिफेंड करना बंद करो। तारावती मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पर ये आप भी जानती हो अगर हम किसी से प्यार करने लगे तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं भी तो आपसे प्यार करती थी, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर पाई, ये जान के भी आप मुझे भुला चुकी हो फिर भी आपसे दूर जा पाई नहीं ना। तो सिया 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है, वो तारा की बातें सोचने लगती है, तारा ने जो भी बोला था। तारा सिया को समझाती है कि साहिल अपने दिल के हाथों मजबूर था, क्या उसे अच्छा लग रहा होगा अपनी बहन को हट करके, अपनी बहन से उसका प्यार छीन के? नहीं ना, कह रही है लोग ऐसी ही बातें करते हैं। और फिर सिया बोलती है कि मुझे घर ले चलो, तारा उसे घर लेके आ जाती है और ये लोग बैठे होते हैं, और तभी सिया तारा को देखती है। तारा बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गई थी, और तारा जब ऐसे चलने लगती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही थी। तो सिया उसे यूँ थाम लेती है और बेड पे लिटाती है। जब तारा की आंखें खोलती है तो सिया उसके पास बैठी होती है। सिया उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती तुम बहुत लापरवाह हो अपने लिए, ज़रा भी अपना ख्याल नहीं रखती हो,
तो तारा पति अब आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, सियावत जी शराब होगी, अपनी हालत तो देखो। तारा पति ओके बाबा मैं अब अपना ख्याल रखूंगी, सियावती नहीं रखोगी, मैं जानती हूँ आप लापरवाह हो, तो तारा पति तो आप मेरा ख्याल रख लेना। मैंने आपका बहुत ख्याल रखा है, आप आपकी बारी है। तो सिया कहती मैं नहीं रखूंगी, आप ही अपना ख्याल रखोगी। तो तारा मुस्कुराते हुए कहती अच्छा चलो ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पे तारा की मम्मा आती है और वो कहती तारा बेटा तुम अपनी हालत तो देखो, सिया को देखो, ऐसे लगता ही नहीं है कि सिया इतने टाइम से हॉस्पिटल में थी, ऐसे लगता है कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो वो भी सुनाने लग जाती है और सिया कहती आंटी ये बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई है, ताई अम्मी ये ना मुझसे मार खाएगी। तो ताई अम्मी ऐसे तारा को थोड़ा ख्याल रखती है और फिर चली जाती हैं। सिया ऐसे तारा को घूर रही थी गुस्से में, तो तारा मुस्कुराते हुए सिया का हाथ थामते उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि माना लापरवाह सी हूँ मगर तेरी बहुत परवाह करती हूँ मेरी जान, ऐसे मुंह मत फुलाओ, प्लीज़ बात कर लो। तो सिया बोलती मुझे नहीं करनी है बात। तो तारा बोलती अच्छा ना। तो सिया ऐसे उठती है, वो रसोई में जा रही थी तभी उसके मम्मा उसे थामती है कि सिया बेटा तुम्हें रेस्ट किस होते हो, तुम कहाँ जा रही हो। सिया बोलती मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिया रसोई में जाती है और बता रहा है कि लिए फ्रूट और जूस लेके आती है और वो तारा को अपने हाथों से वो फ्रूट और जूस पिलाती है। तारा बोलती यार मैं ठीक हूँ मुझे नहीं लेना, पर सिया ज़बरदस्ती लेती है और फिर उसको उसके बाद कुछ वाइटामिन्स भी उसे खिलाती है और कहती है कि अब से ना आपका सारा ख्याल मैं रखूंगी, बहुत होगी आपकी लापरवाही, अब और नहीं चलने दूंगी मैं। तो तारा मुस्कुराने लगती है, तारा के फेस पे तो स्माइल थी पर उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि इतने टाइम के बाद आज सिया उस पर ऑर्डर कर रही थी, सिया उसका ख्याल रख रही थी, उस पर हक जता रही थी और तारा की फिर से परवाह करने लगी थी। तारा मुस्कुराने लग जाती है, वो सिया को बस यूँ थाम लेती है। सिया कहती क्या कर रही हो, छोड़ो मैं डांट रहा हूँ मुझे हक कर रही हो। तारा बोलती ये डांट सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे, बस डांटती रहो पर चुप मत होना आज के बाद कभी भी, मुझसे वो छुपी बर्दाश्त नहीं होती है। तो सिया भी तारा को टायर्डली हक कर लेती है, कहती नहीं कभी चुप नहीं होंगी, हमेशा ऐसे ही रहूंगी। और वहाँ दूसरी तरफ साहिल का एक फ्रेंड जो है जो उसके साथ कॉन्टेक्ट में था, वो उसे कॉल करके बताता है कि सिया जो है वो ठीक हो गई है और घर आ चुकी है और घर में सब बहुत परेशान है, तुम्हारे घर में सब पागलों की तरह रो रहे हैं और तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम ऐसा मत करो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है घर जाओ सॉर्ट आउट करो, पर प्लीज़ ऐसा मत करो। अब साहिल का भी मन कर रहा होता है, वो अपनी बहन को एक बार देखे, प्यार तो वो भी बहुत करता था सिया से और अब काफ़ी टाइम वो उससे दूर भी रहा था, तो उसे देखने के लिए उसका मन मचल रहा था। एक रात को वो चोरी छुपे घर में एंटर होता है, उसी का घर था उसी का फ्लैट था, तो उसे पता था चोरी छुपे एंटर कैसे हो सकते हैं और वो एंटर होकर सीधा सिया और तारा के रूम में चला जाता है और वो जो है अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है, जैसे उसकी लाइट ऑन होती है सबसे पहले तारा के ऊपर जाती है, तो साहिल तुरंत मोबाइल दूसरी तरफ कर लेता है सिया की तरफ, वो तारा को देखता भी नहीं है, वो सिया की तरफ लाइट करता है, सिया के पास आता है और वो सिया को सोते हुए देखता है, स्माइल करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि कैसी है मेरी छुटकी सी बहन, ज़्यादा पेन तो नहीं होता, आई नो जितना पेन मैंने तुम्हें दिया उसके सामने तो ये पेन कुछ नहीं होगा, पर प्लीज़ हो सके तो अपने इस भाई को माफ़ कर देना। और ऐसे रोते हुए उससे काफ़ी देर माफ़ी मांगता रहता है, बात करता रहता है और जब वो जाने लगता है तो सिया उसका हाथ थाम रही थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिया पहले से ही जाग रही थी, उसे उसे कहीं ना कहीं वाइब्स आ रही थी कि उसका भाई उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। और साहिल मतलब एकदम रुक जाता है और तभी तारा लाइट्स ऑन कर देती है और तारा भी जाग रही थी, ये लोग शायद उसी का ही वेट कर रहे थे क्योंकि इन्हें पता था वो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। साहिल कहता है कि तुम दोनों जाग रही थी, प्लीज़ सिया मुझे जाने दो, मुझे तो शर्म आती है तुम्हारी तरफ देखूँ कैसे, नज़रें कैसे मिलाऊँ मैं तुमसे। और तभी सिया वो होती है कि बैठ जाओ, तारा काफ़ी टाइम से सिया का ब्रेन वॉश कर रही थी, उसे समझा रही थी कि जब किसी के प्यार में होते तो हमें अच्छे और गलत का आइडिया नहीं होता, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, और वो सब चीज़ें अब सिया के दिमाग में थी। सिया नाराज़ तो हुई थी अपने भाई से पर वो उसे कहती है कि मेरे लिए ना सही, मम्मा पापा के लिए वापस घर आ जाओ, सब तुम्हें लेके बहुत परेशान है, तुम चाहते क्या हो, हाँ क्यों सबकी खुशियों के दुश्मन बने फिर रहे हो, इतनी मुश्किल से तो मैंने ठीक होके सबको खुशियाँ दी हैं और तुम उस खुशियाँ पे पानी फेर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, मम्मा पापा बहुत परेशान हैं तो प्लीज़ उनके लिए वापस घर आ जाओ और अब कहीं मत जाओ, अपने रूम में जाके बस चुपचाप सो जाओ। और साहिल जो है वो सिया की बात मान लेता है, साहिल इतना ज़्यादा मतलब गिरती था कि वो एक टाइम भी सिया की तरफ या तारा की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखता और वापस अपने रूम में चला जाता है, रूम में जाके वो अपने बेड पे लेटता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, उसे लगा भी नहीं था कि सिया उससे बात भी करेगी, उसे तो लगा था कि उसने सिया को हमेशा के लिए खो दिया, अपनी इकलौती बहन जिसे वो इतना प्यार करता था, मतलब बड़ी सिया की बड़ी बहन भी एक थी, मतलब वो सिया के साथ शुरू से ज़्यादा अटैच था, मतलब जिससे इतना प्यार करता उसे खोने के बाद क्या ही दर्द होगा वो तो आप लोग समझ सकते हो।
खैर अगले दिन जब सिया की मम्मा जगती है तो सिया उन्हें बताती है कि आपका बेटा आया भी है नहीं उससे, तो वो भाग के जाती है, देखते हैं कि साहिल सो रहा है। सिया की मम्मा उसे किस करने लगती है और रोने लग जाती है। तभी साहिल जग जाता है तो सिया की मम्मा उसके मुंह पे थप्पड़ मारती हैं और साहिल बोलते हैं मम्मा आप थप्पड़ क्यों मार रही हो, तभी एक और थप्पड़ जड़ देती है और कहती है पहला थप्पड़ अपनी बहन को हर्ट करने के लिए, दूसरा थप्पड़ मुझे हर्ट करने के लिए, मुझे इतना रुलाने के लिए। साहिल रोने लग जाता है, अपनी मम्मा को गले से लगाता और वादा करता है कि मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगा। साहिल घर तो आ गया था पर अभी भी सिया और साहिल के बीच थोड़ी सी मतलब परेशानी चल रही थी, दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। और अब जो तारा उठती है वो खाना वगैरह लगाती है, फिर वो सिया को जगाती है, कहती है हे गुड मॉर्निंग बच्चा, वैसे बोलकर उसके फ्रंट पे किस करती है। सिया बहुत खुश थी, वो मुस्कुराते हुए तारा की बाहों में बाहें डालती है, कहती गुड मॉर्निंग माय लव, इतनी जल्दी कैसे जग जाती हो। तारा बोलती बस आदत है। तो सिया बोलती अभी आदत सुधार लो, अब रोज़ मैं जल्दी जगूंगी और आप सोगी, आंखें देखो अपनी, इतने डार्क सक्कर हो गया, कितनी वीक हो गई हो। तारा बोलती अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिया तारा की वो नेक बोन को टच करती है, कहती देखो बोन तक निकल आई है। तारा बोलती अच्छा है ना, ये तो हॉटनेस की निशानी होती है। सिया बोलती नहीं ये वीकनेस की निशानी होती है। तो तारा मुस्कुराने लग जाती है और फिर सिया तारा की उस नेक बोन पर प्यारी से किस करती है और तारा बोलती सुबह सुबह शुरू। हाँ सिया बोलती क्या करे, इतना टाइम हो गया आपको किस तक नहीं किया और ना ही कुछ हो। तो तार एकदम से उतर जाती है सिया के ऊपर से, कहती है और कुछ करना भी नहीं है, उठो सब वेट कर रहे हैं टेबल पे। तो सिया कहती है हाँ भाई ठीक है। तो सिया फ्रेश होकर आती है, तारा उसका देखती है और स्माइल करते हुए उसके पास आती है। सिया तारा के फोर पे किस करती है, सिया आई लव यू बोलती है, उसके हाथों को किस करती है और कहती चले। तारा कहती चले और उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं, टेबल पे बैठे होते हैं कि तभी साहिल आ जाता है। साहिल से सब मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे पर साहिल ऐसे सिया एक तरफ देखता है, सिया नज़रें चुरा लेती है और ये लोग खाने के टेबल पे बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। अभी भी सिया और मतलब तारा की शादी के बारे में ना घर में मतलब बहुत कम लोग जानते थे, और आज तो पूरी फैमिली इकट्ठा थी, मतलब ताया अबू ताई माँ सारा जैस सब लोग यहीं पे थे। तो सिया सोचती है कि मतलब क्यों ना अनाउंसमेंट कर दी जाए। सिया तारा का हाथ थामती है और खड़ी होती है और कहती है कि मैं आप लोग के साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। सब कहते हैं खुशी क्या खुशी, और फिर सब कहते हैं कि हाँ हमें पता है तारा तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी। सिया मुस्कुराते हुए कहती हाँ वो तो है, और फिर सिया सबके सामने तारा के हाथ पर किस करती है और कहती है कि हम अब एक हो चुके हैं लीगली, हम शादी कर चुके हैं। सब शौक थे, मतलब कुछ लोग तो पहले से ही जानते थे कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन किस किस को लग रहा था कि शायद ये सिर्फ वहम है, शायद सच नहीं है, पर अब सबको अच्छे से क्लियर हो चुका था। और सब जो है वो कहते हैं कब हमें क्यों नहीं बताया। तो सिया बोलती है मेरे एक्सीडेंट से पहले मैं आप लोग को यही सब बताने वाली थी, पर फिर आप तो जानते हो क्या क्या हुआ, और फिर तो थोड़ा सैड हो जाती है। लेकिन फिर तारा बोलती कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना, और यही सबसे बेस्ट चीज़ है, और मैं आपसे कभी अलग नहीं होना चाहती। और ये दोनों सबके सामने एक दूसरे को हग कर लेते हैं, सब क्लैप करने लगते हैं इन दोनों के लिए। सिया बहुत खुश थी क्योंकि पूरी फैमिली उन दोनों का साथ दे रही थी। और साहिल खड़ा होता है, वो कहता है कि मुझे भी एक अनाउंसमेंट करनी है। तो सब थोड़ा हैरान थे कि अब साहिल को क्या अनाउंसमेंट करनी है, कि तभी जो है वो डोर बेल होती है। साहिल बोलता है कि वेट मैं अभी आता हूँ। साहिल बाहर से आता है, वो एक लड़की का हाथ थाम के अंदर लेके आता है। सब हैरान थे क्योंकि कोई भी उस लड़की को नहीं जानता था। साहिल बोलता है मैंने जिस अनाउंसमेंट की बात की थी वो यही है, इससे मिलो। तो वो सब हैरान थे कि भाई अब ये लड़की कहाँ से टपकी और साहिल इसे कैसे जानता है। सब अभी ऐसे कर ही रहे थे कि तभी साहिल बोलता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी है, और इसका नाम जो है वो है। तो मतलब वो ऐसे बोल ही रहा था कि तभी सिया एकदम से बोलती है व्हाट, तुम्हारी इकलौती खुशी हो, तुम इससे प्यार करते हो, वाह, और तुम्हें लगता है तुम ये बोलोगे और हम मान लेंगे। तो बोलता है नहीं मैं सच में इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा, मैं जानता हूँ कि पहले। तो तारा एकदम से देखती है क्योंकि अब तो वो भी सब जान चुकी थी, तो वो बोलता है कि इसका नाम सिमरन है, और जब मैं घर छोड़ के गया था तो इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जब मैं घर छोड़ के गया था मेरे पास कुछ नहीं था, ना रहने के लिए जगह, ना खाने पीने के लिए कुछ खाना, तब मैं इससे मिला था, और ये डाउन टू अर्थ बंदी है सच में, शी इज़ सो परफेक्ट। अगर मैं इसे नहीं जानता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि तारा के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत थी वो कभी बदल सकती है या नहीं। तो सब हैरान थे, मतलब बाकी सब तो ये सब जानते नहीं थे, और सिया गुस्से में ही अपनी मुट्ठी बंद कर रही थी। तो तारा से आगे होती रिलैक्स की पूरी बात तो सुन लो। तो साहिल कहता है सिया आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम तारा से बहुत प्यार करती थी, पर मैं मेरे दिल के हाथों मजबूर था, अब क्या करें, तुम्हारी और मेरी बचपन से पसंद इतनी मिलती है कि तुम्हें जो लड़की पसंद आई मुझे भी वही आई।
पर जब मैं तुम सबसे दूर हुआ और जब मेरे पास कोई नहीं था, मुझे लगा था कि कोई साथ नहीं देगा, दोस्त भी नहीं, तब मुझे ये मिली। इसने मेरा बहुत साथ दिया और मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने मेरा ख्याल रखा, मेरी हेल्प की, तभी मैं इसे आप लोग से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। पर नहीं, मैं सच में इससे प्यार करने लगा हूँ। जब मैंने इसको जाना तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे प्यार करता हो। ऐसा नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे लगता है कि शायद मैं भी इससे प्यार करता हूँ। एंड हाँ, मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। तो तब सब हैरान थे क्योंकि कोई भी उस लड़की को नहीं जानता था सिवाय उसके नाम के, जो अभी अभी बस साहिल ने ही बताया था। तो सिया कहती है कि कम ऑन साहिल, तुम किसी को भी लेके नहीं आ सकते। जब तुम्हें इससे प्यार नहीं है तो तुम कैसे प्यार का दावा कर सकते हो। साहिल सिया के पास आता है, उसके मतलब यूं पाँव पकड़ने लग जाता है। सिया पीछे होती है, कहती क्या कर रहे हो, तुम मेरे बड़े भाई हो। तो बता, जानता हूँ पर मैंने जो गलती की है उसके लिए तो मैं तुम्हारे पाँव धो के भी पीऊँ वो भी कम होगा। पर ट्रस्ट मी, मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं लाया कि मैं गिल्टी हूँ या ये वो, ये सच में बहुत अच्छी है और मैं सच में इसे बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। तो सिया कहीं ना कहीं खुश थी कि चलो साहिल की लाइफ में कोई और आया है। और तभी सिमरन जो है वो ऐसे आती है और वो साहिल के आंसू पोंछने लग जाती है सबके सामने। तो सिमरन को लगता है कि शायद भी ये सही है। खैर, सिमरन को के बारे में अभी सिया और जानना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है कि क्या करती है ये लड़की। तो साहिल सब कुछ बताता है और कहता है कि क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट भी सबने बीच में अधूरा छोड़ दिया। तो सब बैठते हैं और ब्रेकफास्ट जो है वो कर रहे थे। तभी सिमरन जो है, मतलब उसे साहिल की पसंद नापसंद सबका पता था, और वो सिमरन साहिल के आगे मतलब उसकी पसंद की चीज़ें रखती है, और साहिल को जो है मिर्ची लग जाती है तो सिमरन फ़ौरन उसे पानी भी पिलाते हैं। उसका बड़ा ख्याल रख रही थी टेबल पे, जैसे एक छोटे से बच्चे का ट्रीट नहीं करते, बच्चों का ख्याल रखते सेम वैसे ही जैसे सिया कभी तारा का रखा करती थी। अब तो बेचारी तारा को ही रखना पड़ता है हमेशा। खैर, सिया को लगता है कि शायद ये दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए ना, और कहीं ना कहीं साहिल भी सिमरन का ख्याल रख रहा था। ये लोग रूम में आते हैं तो तारा बोलती है क्या लगता है कि साहिल प्यार करता है उससे। सिया बोलती है मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, एक दूसरे के लिए शायद बने हों, देखा नहीं कैसे क्यूट लग रहे थे साथ में। तारा बोलती है हमसे ज़्यादा क्यूट तो कोई नहीं लग सकता। सिया बोलती है हाँ वो तो है। और ऐसे ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सिया तारा का हाथ थामती है और कहती है कि जान मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलती है हाँ बोलो। तो सिया बोलती है कि आई नो, काफ़ी टाइम से आप मेरा बच्चों की तरह ख्याल रख रही थी और इस चक्कर में आप खुद का ख्याल नहीं रख पाई, बट आई प्रोमिस अब से मैं आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, सच में दिल से बोल रही हूँ। कभी भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, बस मेरे ऊपर कभी गुस्सा मत होना, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो तारा मुस्कराते हुए कहते छोड़ के जाना होता ना कब का चली जाती, और अगली बार ये बोला ना छोड़ के मत जाना थप्पड़ लगा दूँगी। अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है, अभी भी लगता है मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ। कमोन, मेरी सांसें आपकी सांसों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा सोचना भी मत। और ऐसे ही तारा सिया के लिप्स पे किस कर देती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज जानते पर एक प्यार से छोटे से नमी से रिक्वेस्ट यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से कर लो। देन टाटा बाय बाय।